भाई लोग स्वागत है आज के एक न्यू वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं केबीसी के अंदर ऑफलाइन क्यूज में पूछे गए प्रश्नों पर। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, टिकटॉक के संस्थापक और वाइट डांस के मालिक का नाम क्या है? तो टिकटॉक के संस्थापक और वाइट डांस के मालिक का नाम है जोंग यमिंग। जोंग यमिंग टिकटॉक के संस्थापक और वाइट डांस के मालिक है। तो अगला प्रश्न है, किस फिल्म के लिए कैथरीन बिगेलो को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए ऑस्कर मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिटिल वुमेन। लिटिल वुमेन के लिए उसको ऑस्कर मिला था। अगला प्रश्न है, गंगा नदी को स्वर्ग से धरती पर कौन लाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भागीरथी। भागीरथ है जो गंगा नदी को स्वर्ग से धरती पर लाए थे। पहला विंटर ओलंपिक किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो पहला विंटर ओलंपिक 1924 में आयोजित किया गया था। तो अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरोजनी नायडू। अब मुख्यमंत्री पूछेगा तो आपको सुचिता कृपलानी मुख्यमंत्री पहली। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को द इटरनल सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोम, इटली की राजधानी रोम को। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड किसके नाम है, यानी किस खिलाड़ी के नाम है बन्डे, जो बन्डे कहते हैं वह विकेट सबसे ज़्यादा लेने का रिकॉर्ड? तो यह इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एम मुरलीधरन है। हिंदू मान्यता के अनुसार चिंता की देवी धूमरना के पति कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यमराज। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न है, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है? तो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय पशु का नाम है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न इज द राइट आंसर। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिभा का नाम बताएं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टैचू ऑफ यूनिट, जो कि 182 फीट है और यह सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, यह भारत में स्थित है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।